नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले वादा क्या किया था उसके बाद आज हम नहीं करेंगे। किसानों पर कितना कर्ज है उसके बाद भी एक बार के लिए नहीं करेंगे, ना ही बात करेंगे कि कितने किसानों ने खुदकुशी की, और ना ही आपसे पूछेंगे कि किसानों का कर्ज माफ कब करेंगे। आप बस इतना बता दीजिए कि किसानों से डर कैसा। चैन मिलता नहीं है अब दिन लेन में, तुम कहाँ खो गए लेन में देन में, तुम कहाँ खो गए लेन में देन में। हम किसानों की उखड़ी पड़ी पटरिया, आग लग जाए तेरी बुलेट ट्रेन में। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप किसानों को राजधानी दिल्ली नहीं जाने दे रहे? ऐसा कौन सा डर है कि आप किसानों को प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे? या ऐसा कौन सा गुनाह किसानों ने किया जो उन्हें जेल में डाला जा रहा है? और लोकतंत्र में क्या किसानों को आंदोलन करने का हक नहीं, अधिकार नहीं? बड़ी बात में ऐसे ही बड़े सवालों के जवाब लेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नहीं करना चाहिए, किसान पर लाठीचार्ज गलत है। और मैंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सबको आंदोलन करने का हक है, मैं तो खुद आंदोलनकारी। बिल्कुल सही है साहब, सबको अधिकार है आंदोलन करने का, धरना देने का, और आप तो आंदोलन से ही निकल कर आए हैं। चलिए मान लिया, फिर किसानों को आंदोलन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? उन्हें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों उन्हें दिल्ली से पहले फरीदाबाद में मुंडन कराना पड़ा है? किसान आंदोलन में 23 फरवरी को एक हमारा दिल्ली घेरो आंदोलन था राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेतृत्व में, और हम सब किसान फरीदाबाद तक एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से लाए गए, और इस मंडी में हमको हरियाणा की फरीदाबाद की पुलिस ने, प्रशासन ने बंदी बना रखा है, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया गया। किसानों पे इतना अत्याचार हो रहा है, किसान रीढ़ की हड्डी इस देश की, अगर वो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और खत्म हो जाएगी तो इस देश में बचेगा क्या? बड़ा गंभीर विषय है, दिल्ली सरकारों को कोई ध्यान ही नहीं है। और ऐसे में अगर हर वर्ग का व्यक्ति किसान का साथ दे और किसान के साथ जुड़े और उनकी पीड़ाओं को सरकार तक पहुंचाए, ये एक प्रमुखता से प्रशासन को भी सोचना चाहिए। यहाँ एक जगह इनको बंद करके क्या मिलेगा? इसे कोई तानाशाही ना कहे तो क्या कहे? किसानों को उनकी बात तक नहीं रखने दी जा रही है। मतलब आपने खुद ही तय कर लिया है कि किसानों को जो आपकी सरकार ने दिया है वही सर्वमान्य और सर्वोपरि है। इसके आगे जो आवाज उठेगी उसे दबा दिया जाएगा, जो मांग होगी उसे ठुकरा दिया जाएगा, जो आंदोलन करेगा उसे हवालात में डाल दिया जाएगा, जो सड़कों पर उतरेगा उसे राजनीतिक साजिश बता दिया जाएगा। देखिए, ये केवल किसानों का कार्यक्रम नहीं है, किसानों को आगे करके कुछ राजनीतिक दल अपने हित साधना चाहते हैं। मैं तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ऐसे आंदोलनरत किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सामने बुला करके पूछें और हमारी पार्टी के नेताओं को सामने बुला करके बात करें कि किस पार्टी ने कितना भला किया। हालांकि सीएम का थोड़ा अलग मत है, लेकिन वो कितना अलग है आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, हमने एक ही बात कही थी कि ट्रैक्टर लेकर के वो किसान दिल्ली में न जाए, और जो लोग इसके ऊपर बाजित थे उनको हमने रोका है। बाकी किसान अपने अपने ढंग से जो भी दिल्ली में आना चाहें, ट्रेन से आए, बस से आए, पैदल आए, जैसे आए, उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ट्रैक्टर के माध्यम से, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट जो हमारा व्हीकल जो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें भी ट्रैक्टर को यूज नहीं किया जा सकता, उसी कारण से हमने रोका है। चलिए मान लिया कि आपने ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे किसानों को रोका है, तो बताइए कि एक भी किसान दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा? किसानों के सामने सेना कैसे आकर खड़ी हो गई? इतने किसानों की गिरफ्तारी कैसे हो गई? जरा सोचिए, चीन से 123 किसानों को गिरफ्तार किया गया है, राई में 10 किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, कैथल से 8 किसानों को हिरासत में लिया गया है, नरवाना से भी 7 किसानों को हिरासत में लिया गया है, करनाल से भी सैकड़ों किसानों को हिरासत में लिया गया है, बाकियों को जगह जगह रोक लिया गया है। लेकिन किस लिए? उन्होंने कहीं आगजनी नहीं की, कोई उपद्रव नहीं किया,
तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी नहीं कर सकते? किसान क्या अपनी बात भी नहीं रख सकते? ऐसा कौन सा डर आपको सता रहा है जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने देना चाहते हो? किसानों के सामने सेना को क्यों खड़ा किया गया है? आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि अन्नदाता की हालत ऐसी क्यों है? सवाल इतने हैं कि करते करते रात हो जाए और आप जवाब भी ना दे पाए। लेकिन फिलहाल आप किसानों के सवालों के ही जवाब दे दीजिए। धन्यवाद रहेगा आपका। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। क्या वाकई किसानों को आंदोलन करने का हक नहीं है? क्या वाकई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान रखे जा सकते हैं? अगर सरकार को इतना ही परहेज है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने क्यों दी जाती है? ऐसी सूरत ही कैसे हो जाती है कि किसानों को जरूरत पड़ती है कि खेत छोड़कर सड़कों पर आ जाएं, खेत छोड़कर राजधानी आ जाएं, संसद के घेराव की बातें करें, पीएम से मिलने की बात करें और फिर लोकतंत्र में अगर सुनवाई नहीं होगी, आंदोलन नहीं करने दिए जाएंगे तो लोकतंत्र बेमानी नहीं हो जाएगा क्या? साथ ही जो मांगे की जा रही है उनकी सुनवाई क्यों नहीं? कुछ खास मेहमान हैं जिनसे सवालों के जवाब लेंगे। केवल ढिंगरा हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता आप हैं, नीलम चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हैं चर्चा में, साथ ही रविंद्र ढुल हैं हमारे साथ, इनेलो का पक्ष रखेंगे, इनेलो प्रवक्ता हैं, और रणबीर शर्मा पूर्व आईजी आप हैं। आपसे जानेंगे कि कानून व्यवस्था जब जब बिगड़ने के आसार होते हैं क्यों पैरामिलिट्री बुला ली जाती है। साथ ही किसान नेता स्वामी इंद्र हमारे साथ हैं, स्वागत है सभी का इस चर्चा में। स्वामी इंद्र जी, शुरुआत आपसे, क्या रहा आज पूरे दिन? लगभग एक सप्ताह से पूरे प्रदेश में किसानों के ऊपर अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है जी। किसानों को घरों से, खेत खलियानों से, अस्पतालों से उठाया गया है। जो संख्या आपने बताई वास्तव में सरकारी आंकड़े हैं, इससे ऊपर आंकड़े हैं। लाखों की तादाद में किसानों को घरों में ही दबोच लिया गया है और हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश के जेलों में और एसएचओ ने अपने थानों में उनको नजरबंद कर लिया है जी। तो ये हम तो जो हमारे साथी फरीदाबाद में बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो फरीदाबाद में जिनको आपने मंडी के अंदर घेरा हुआ है, आज अब तक लगभग 48 घंटे हो गए हैं, उनकी मैजिस्ट्रेट जो थी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, अभी तक उनकी मैजिस्ट्रेट गिरफ्तारी भी नहीं की है, ये असंवैधानिक है। सरकार किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही, ना कि उनकी बात सुनने का काम कर रही। नीलम जी, सरकार अगर नहीं सुनेगी तो सुनेगा कौन मैडम जी? देखिए, अभी आपने कहा कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और उनके बिना देश चल भी नहीं सकता, और ये हमारी सरकार भी इस चीज़ को जानती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अभी जो सेंट्रल बजट आया था वो पूरा का पूरा कृषि आधारित था, फार्मर्स बेस्ड था, और उसमें हर तरह के स्वामीनाथन की जितनी भी जो सिफारिशें थी वो सारी की सारी लागू भी की गई, सारी लागू कर दी गई। हाँ, सारी संजय शर्मा जी भी कह रहे थे कि सारी लागू कर दी जी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी नहीं कहा जब बजट पेश किया गया जी। आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट को एक साइड रखिए और एक साइड बजट को रखिए, यू विल अंडरस्टैंड दैट। सिर्फ जो है टर्म्स अलग है मैडम, कल रखी थी हमने। आप ये बताइए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें अगर लागू कर दी नीलम जी, तो किसानों को बुलाइए ना, किसानों को बताएं कृषि मंत्री कि आप जिस मांग को लेकर कह रहे हैं, जिसका हमने वादा भी किया था, वो तो लागू ही हो चुकी है। क्या भ्रमित हैं किसान फिर, या किसानों को जानकारी नहीं? जी, आपकी ये बात सही है। एक तो जागरूकता और थोड़ी जानकारी की कमी है। अभी तो बजट आया है तो वो उसको थोड़ा सा एडवर्टाइज करेंगे और उसको स्वामीनाथन जी, ये जानकारी का अभाव है। देखिए सुनिए, बजट जो आया उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें हो गई है, अच्छे से पढ़ते किसान। सुनिए, बीजेपी का पक्ष सुना आपने, उसमें एमएसपी जो इंद्र जी बोलिए, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, वो कहते ही लागू नहीं किया, ना ही तो कृषि मंत्री ने कहा है। आप शर्तें बताएं कौन सी लागू नहीं हुई। पहली बात तो किसानों को जो है भावांतर जो मूल्य है उसको, जिसको आप बता रहे हैं, उसको आपने बदल दिया है। वास्तव में किसानों को लाभकारी मूल्य है जोड़ना था, अभी भी डेढ़ तो आपने भावांतर दे दिया है, वो भावांतर ही है। उसके बाद एक किस्म का विरोधाभास है उस योजना के साथ। आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की जगह उसको काटने का काम कर रहे हैं। उसमें भी वही डेढ़ गुना जो लागत मूल्य है उसका डेढ़ गुना लिखा गया, और डेढ़ गुना भावांतर का हुआ। भावांतर तो आपका ये हुआ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी आप नीचे की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं कि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देना तो किसान को, बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुनिए मैडम, कि बीजेपी के प्रवक्ता पैनल पर आकर ये कह दें कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू ही हो चुकी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, वही तो मैं नहीं, अदालत में नहीं कहा गया, आरटीआई जब लगाई जाती है तब भी कहा जाता है कि नहीं की जा सकती, लागू भी नहीं हो सकती, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जब आरटीआई का जवाब दिया गया जी। मैं आप इसमें एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि
जैसे स्वामीनाथन है 100% एज परफेक्टली, आप कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट है उसको चेंज नहीं करते, उसके सिस्टम को पूरा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको लागू करना शुरू करते हैं और धीरे 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 वो सारे के सारे रिफॉर्म धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। तो इसलिए स्वामीनाथन की जो शर्तें हैं, वो जो रिकमेंडेशन है, वो लागू हो गई है, लेकिन वो स्टेप वाइज ढोल साहब का ये बहुत बड़ा झूठ नहीं है अपने आप में? इससे बड़ा झूठ क्या होगा ज्योति, कि जो इन्होंने पार्लियामेंट के बकायदा उसके अंदर जाकर के बोला था। मैं बड़ा अभी एक डाटा ही बना रहा था बैठ करके, कि इन्होंने कहा कि हमने जो है पहले से ही लागू कर दिया है, जैसे कि आप बात करते हैं लागत से 1.5 गुना जो है MSP पे, ठीक है। तो आपको बड़ा बेसिक एक डाटा का मैं बताता हूँ, 2017 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। FCI के अकॉर्डिंग जो है गेहूँ की लागत का जो मूल्य है, जो लागत बनती है गेहूँ की, वो बनती है 2300 रुपये के आसपास में प्रति एकड़, ठीक है, प्रति एकड़, और इनका जो है प्रति क्विंटल, सॉरी प्रति क्विंटल, और जो आपका MSP है, MSP वर्तमान में जो है वो है 1725 रुपये। मतलब जो आपकी लागत से 50% मेरे को लगता है कि उससे कम है, ना कि ज्यादा है। अब ये क्या करते हैं कि लागत के अंदर कुछ बेसिक चीजें इन्होंने उड़ा दी है, जैसे आप लागत में से इन्होंने उड़ा दिया कि खाद अलग कर दी इन्होंने, ऐसी कई चीजों को इन्होंने लागत को अलग करके, और उसके बाद में इन्होंने एक लागत बेसिक लागत जो है कैलकुलेट की लगभग 1100 रुपए के ऊपर, उसके ऊपर आपने कह दिया कि हमने 1700 कर दिया। लेकिन क्या मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को मैं चैलेंज देकर के कहता हूं, क्या खाद के बिना लागत किसान की आप निकाल सकते हैं? क्या आप डीजल के मूल्य के बिना लागत को निकाल सकते हैं? आपने डीजल को तो मार्केट के अंदर फ्री कर दिया, मैं कहता हूं कि हमारी प्राइवेट गाड़ियों के लिए उसको आप फ्री कर दिए, क्यों नहीं आप किसानों को सब्सिडी देते डीजल की? इस तरह की जो बेसिक चीजें है ना, इन्होंने लागत में से बेसिक चीजें निकाल करके पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला, क्योंकि मैं FCI का डाटा बता रहा हूं। यदि मैडम किसी भी आधिकारिक सोर्स से बता दें कि गेहूं की प्रति जो है क्विंटल कितनी लागत है और ये कितना दे रहे हैं, यही झूठ साबित हो जाएगा। नीलम जी बता दीजिए, नेशनल कमीशन ऑन कॉस्ट एंड प्राइस, आप इसमें बिलीव करते हैं? बताइए आप जी ढोल जी। मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे, आप बताइए। नेशनल कमीशन नहीं, मैंने FCI का डाटा होना चाहिए। मैंने इंडिया की सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट एजेंसी का डाटा दिया है। मैं यदि कहेंगे हरियाणा की अपने कृषि विश्वविद्यालय का भी डाटा दूंगा, मैं अपना बताइए जो आपको बताना जी। आपने जी सो नेशनल कमीशन ऑन कॉस्ट एंड प्राइस जो है ये रिकमेंड करता है किसी भी जो भी हमारी फसलें होती हैं उसका कोस्ट कितना है और कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस भी कितनी आती है और हम फार्मर्स की इनकम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, रबी क्रॉप्स की, खरीफ क्रॉप्स की, हर साल ये उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है, एक रिकमेंडेशन देती है। उस रिकमेंडेशन को जो है हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसके हिसाब से सब टेक्निकल चीजें छोड़ के आप इतना बताइए कितनी होगी, जो किसानों को समझ में आए उतना ही बताइए, लागत कितनी हो जाती है बीजेपी के अनुसार जी। तो ये जो नेशनल कमीशन है ऑन कॉस्ट एंड प्राइस, आप इसको अगर पेज नंबर इसका 72 और 73 जो 1819 की जो रिपोर्ट आई है आप उसको देखें, उसमें जो लागत मूल्य है जो MSP है वो 1735 रुपये है और जो उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 1256 रुपये है। पूरे इंडिया की एवरेज निकाली जाए, वो एवरेज कैसे निकालते हैं, हर एक स्टेट का जो है एक्सपेक्टेड प्रवक्ताओं को चर्चा में जोड़ना है, लेकिन बताइए इन आंकड़ों में सच्चाई कितनी है, जल्दी बता दीजिए। ये आंकड़े सर झूठे आंकड़े, किसान की मेहनत को जोड़ा नहीं गया है, और इसमें इवन जो कमीशन जो सरकारी कमीशन है सरकार के मुताबिक चलते हैं, ना कि किसान के मुताबिक चलते हैं। किसान का दर्द सुनने को सरकार राजी नहीं है, किसान की बात सुनने को सरकार राजी नहीं है। ये आंकड़े कैसे ही हो सकते हैं? आंकड़े तभी सही होंगे जब धरातल में जाकर आप किसानों से बात करेंगे, किसानों के खेतों में जाकर, खलिहानों में जाकर बात करेंगे, पूछेंगे आप कैसे का खेती करते हैं, आपका आपका खर्चा कितना था, लागत मूल्य क्या है। आपने इसमें किसी चर्चा में आज तक किसी चर्चा में जब से केंद्र में सरकार बीजेपी की आई उसने किसानों को अपनी चर्चा में शामिल नहीं किया। ठीक है, हमने फेसबुक लाइव भी किया है इस डिबेट को। एक दर्शक लिखते हैं कि 85 साल के जो बुजुर्ग किसान हैं उनसे भी सरकार डरती है। ढिंगा साहब बताइए। देखिए अभी मैडम बोल रहे थे कि ये रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी तो इन्होंने तोड़ दी। अब रीढ़ की हड्डी तोड़ने का जो सरकार काम कर रही है, अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात के ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं, अरे आप सीधी सीधी आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या किया, वो एफिडेविट किस चीज का दिया आपने सुप्रीम कोर्ट की? स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि MSP का 50% आप देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 50% ऑफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्या दिया आपने? झूठ क्या बोलते हो आपकी हमने ये दे दिया। और ये बात जो पार्लियामेंट के अंदर भी रखी है ये 2022 के लिए रखी है, 2019 के लिए नहीं रखी गई। यहां भी आप झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताएं जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया उसके अंदर क्लियर कट वर्डिंग में है कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू कर सकते, तो ये एफिडेविट आपकी सरकार ने क्यों दिया? आप ये बताएं, लोग सिर
मनवा के अर्धनगन कपड़े डाल के किसान सड़कों के ऊपर क्यों बैठा है जी? अगर आपने दे दिया तो, अगर आपने उनके साथ बैठ के ये बात कर ली कि एमएसपी का जो इतना रेट बनता है तो वो सड़क पे क्यों बैठे हैं किसान? आप इतना बड़ा झूठ जो देश के साथ बोल रहे हो वो आपका सीधा सीधा लोगों को समझ आ रहा है। बीजेपी जो है भारतीय झूठ पार्टी है और झूठ इनके अब सारे जुमलों में बदल चुके हैं। जितनी जितनी बातें मोदी जी ने की थी वो सारी जुमलों में तब्दील हो चुकी हैं और अपने आप इनके अमित शाह जो हैं वो खुद बोल देते हैं ये जुमला है, ये बात भी जुमला है, ये बात भी जुमला है। तो यहाँ पे मैडम नीलम जी बैठी हैं, आप जुमले छोड़ के उसके बाद एक्चुअलिटी पे आए, असल में किसान जो है वो गिरफ्तार क्यों किए गए वो बताएं आप। अगर उनको दिक्कत नहीं है तो उनको गिरफ्तार फिर क्यों किया सरकार ने? जवाब लेंगे एक बात ऐड करनी जो बहुत जरूरी है, आप ये बताएं मेरे को कि इस समय मामला हुआ ये जो जिनको गिरफ्तार कर लिया, आप ये बताएं कि जो पंचकुला के अंदर धारा 144 लगी थी उन लोगों को गिरफ्तार तो आप करते नहीं। उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए आपको उनको लड्डू खिलाने थे, उनको ये करना था, वहां धारा 144 थी वहां भी। अब अपने सारी स्टेट के अंदर धारा 144 लगा के और उन सभी किसानों को गिरफ्तार बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से अभी सिरसा का जिक्र किया, पंचकुला का जिक्र किया, अभी किसान अगर दिल्ली जाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कितना अंतर है? मैडम तीन बातें आज के डिस्कशन में आ रही हैं। पहले किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर क्यों हुआ? किसान आंदोलन मजबूर इसलिए हो रहा है कि उसको जो भाव मिलना चाहिए स्वामीनाथन रिपोर्ट का, वो 50% लाभ का मूल्य, मोटी भाषा में जो वो खेती करे वो लाभ की हो, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। दूसरी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्जा माफी। हजारों लाखों करोड़ रुपया बहुत सारे पूंजीपति लेके यहाँ से भाग गए, अगर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा किसानों को दे, रोज भाग रहे सर, रोज भाग रहे हैं। पूरा कर प्लीज, मुझे लेट मी अलाउ टू सेंटेंस। आपके लाखों करोड़ रुपए एनपीए में चला जाता है और एक गरीब किसान आत्महत्या करता है 50,000 का कर्जा ना देने के वजह से, क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उसका कर्जा माफ और बदले में क्या मिलता है? जब मांगों की सुनवाई के लिए अपील करते हैं, आंदोलन करते हैं तो कानून व्यवस्था का हवाला, फिर हिरासत में ले जाएंगे। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं कि उनको लाभ का मूल्य ना मिलना, नंबर दो उनका कर्जा माफ ना होना। अगर ये सरकार किसानों का वाकई थोड़ा सा भी भला चाहती है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो, सबसे पहले उसका कर्जा माफ करके और उसे एक धरातल पे लेके आया जिसे आत्महत्या रुके। दूसरी बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो वो खेती कर रहा है भाई 25 पैसे तो लाभ दे दो, 25 पैसे लाभ दे दो। अब लाइन ऑर्डर की जो समस्या है, अब किसान जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं ABCD पता नहीं कौन उसमें क्या आग लगा देता है, वो बसों को आग लगा देते हैं या ट्रेन को आग लगा देते हैं या उसको उखाड़ लेते हैं। उसके लिए सरकार के पास एक प्रिवेंटिव मेजर है, अगर भी लोग ऐसे कानून हाथ में ना लें, आगजनी ना करें, इसके लिए वो प्रिवेंटिव मेथड लेते हैं। लेकिन अब जो सिस्टम आज सरकार ने जो किसानों में ही याद आते हैं, आज जो सरकार ने मैसेज दिया वो बिल्कुल गलत दिया है। सरकार पीसफुल जा रही है, बिल्कुल अगर लोग पीसफुली अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री मान रहे हैं, इनके संतरी मान रहे हैं, उन्हें ना रोका जाए। ठीक है, अगर वो सड़क पे जा रहे हैं और कानून हाथ में ला रहे हैं तो रोका जाए। नेशनल कमीशन फॉर कॉस्ट प्राइस 2016-17 में कहता है कि 2219 रुपए पर क्विंटल कॉस्ट थी, 2017-18 के हिसाब से 2050 रुपया। 2016-17 में जब ये दावा करते हैं कि हम लागू कर चुके थे, 1625 रुपए थी आपकी, 1525 रुपए थी आपकी MSP, और 2017 में जो है आपने इसको बढ़ा करके 1735। मानने को तैयार, मैंने FCI की रेफरेंस बताया। ये किस तरह झूठ बोलते हैं ज्योति, ये किस तरह झूठ बोलते हैं मैं स्पष्ट बता दूं आपको। ध्यान में होगा कि इन्होंने जब किसान फसल बीमा योजना लागू की थी उस समय पे इन्होंने एवरेज निकाली थी, आपको ध्यान
में होगा कि एक उसके अंदर से कितनी एवरेज निकलती है, उसके हिसाब से इन्होंने बना दिया था कि इस एक एकड़ के ऊपर हम इतना मुआवजा देंगे लगभग लगभग। वो मुआवजा जो निकाला गया था उस मुआवजे के अनुसार भी जो है आपकी 2000 रुपए से ऊपर की गेहूं की कॉस्ट है एक क्विंटल की, इससे बड़ा झूठी सरकार नहीं हो सकती। आप जब किसानों के लिए मुआवजा निकालते हैं उस समय पर तो आप इस प्रकार की बातें कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कहाँ सच है कहाँ झूठ है इनको पहले बताओ। लगातार इस पैनल पर कह रही है कि रेट भी हम लोग ठीक दे रहे हैं आपको, जी, जी, है। पहली बात आपकी अलग ही है, मेरे सामने टेबल पड़ी है ऑफिशियल टेबल। किसान कौन है जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कोशिशें कर रहे हैं दिल्ली जाने की, किसान कौन जी? पहली बात तो ये जो इनके पास टेबल है वो इनकरेक्ट है। आप एक्चुअल मैं आपको लिंक भी दे देती हूं, किसानों को पता है, सबको पता है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो गेहूं की फसल पे है अब तक ही 1092 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया भी जा चुका है। से भला हो जाएगा क्या ये? इस बात का जवाब दीजिए, एक मिनट एक मिनट, इस बात का जवाब दीजिए। ये किसान जो दिल्ली जाने की कोशिशें कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं है तो क्यों कोशिशें की जा रही हैं? किसान खेतों में क्यों नहीं रहता, सड़कों पर आने की क्या जरूरत? यही तो एक वजह है कि एक जो जानकारी का अभाव है और जो कुछ लोग इनको पीछे से प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो जानकारी दे उनको। आप किसानों को बिठा के उनको जानकारी दें, आप उनको बताएं कि ये मामला है। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, वो भी दिखाएं उनको कि हमने क्या दिया, हमने उनके हक में दिया या अगेंस्ट दिया। किसानों को सब मालूम है मैम, आप उनको झुठला रहे हो, झूठ का जुमला उनके सामने पेश कर रहे हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट लेना चाहता हूँ ज्योति प्लीज। और साथ ही अगर रविंद्र ढूल जी के आंकड़े आपको गलत लगते हैं, हवाला भी उनके ऑफिस से लिया गया है, वेबसाइट से निकाला हूं, आपको सच्चे आंकड़े किसानों को बता दीजिए मैडम जी। आप जो बात कह रहे हैं कि ये किसान क्यों चले, मैं दो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से, किसान क्यों चले? और उन किसानों की जो बात आप कह रहे हैं या धिंगड़ा जी कह रहे हैं, उनको कम से कम ये बता तो दो भाई आपको लाभ का इतना मूल्य दिया जा रहा है। एक नंबर दो, अगर लाभ का मूल्य दिया जा रहा है तो उनकी तसल्ली होनी चाहिए थी, आपकी एडवर्टीजमेंट इतनी होनी चाहिए थी, किसानों तुम्हें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम आपको इतना लाभ दे रहे हैं। नंबर दूसरी बात जो है लाइन ऑर्डर की, आपको पुलिस को ये हिदायत देनी चाहिए थी एसपीज को कि अगर ये पीसफुली जा रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं और कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं और आगजनी नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज इनको लोकतांत्रिक तरीके से जाने दीजिए। धनखड़ साहब कहते हैं, धनखड़ साहब कहते हैं कि आंदोलन का हक सबको है, हमने रिपोर्ट की शुरुआत इसी बात से की, अमित शर्मा जी सुनिए, ये तो इलीगल डिटेंशन है। धनखड़ साहब कहते हैं कि आंदोलन का अधिकार सबको है इस लोकतंत्र में, लेकिन पुलिस को समझ क्यों नहीं आता फिर? ये पुलिस किसके कहे की किसके कहे में गिरफ्तारियां कर रही है, हिरासत में किसान लिए जा रहे हैं? देखिए यहाँ ये मामला है कि जो धनखड़ साहब कह रहे हैं और जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इन दोनों में विरोधाभास है, क्योंकि धनखड़ साहब जो है पहले खुद कपड़े उतार के अर्धनग्न यात्रा करते थे, उस समय कहते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम आते ही लागू करेंगे। आज वो उस बात से मुकर चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं कि हम नहीं लागू करेंगे। अब जो है यहां पे इनका विरोधाभास इसलिए है कि मोदी जी ने यह कह दिया 2022 में करेंगे, अरे जो सरकार है वो 2019 में इलेक्शन में आ जाएगी। आप किसानों को जो झुठला रहे हो, उनको बहका रहे हो, उनको उल्लू बनाने की बात कर रहे हो, किस आज की दिन में जहां हमारा इलेक्ट्रॉनिक युग है, हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, सभी लोगों को मालूम है कि आप कितनी कितना बड़ा झूठ और किस तरीके से प्यार से बोल रहे हो। अभी मैडम जो यहां पे एक आंकड़े पेश कर रही हैं, हाँ। वो एक झूठा जुमला और एक तरीके आप से किसी भी चीज पर यकीन नहीं करते, क्या होना ऑफिशियल डेटा है। मैं तो ये डिबेट अपना सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं, हम नहीं लागू कर सकते। 2019 से पहले ये क्या देंगे ये बताएं, 2022 की बातें ना सुनाई, डेटा से पेट भर जाएगा कि किसान होगा, क्या देंगे ये डेटा से, क्या कर्ज माफ हो जाएगा? ज्योति 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 आप प्लीज मैम आंकड़े लेकर आप लोग आ जाते हैं जी, जी जो, जो किसानों को प्लीज नॉट गिविंग मी एनी टाइम, आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। नो नो नो, आपके पास नहीं है। ये आंकड़ों की बात करते हैं जी, इन आंकड़ों में इन्होंने किसान को निचोड़ने का काम किया, बिल्कुल नहीं, 1% धरातल पे किसानों को इस सरकार के द्वारा कोई राहत नहीं मिली। किसान की एक डिमांड थी सत्ता में आने से पहले, बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, उसके बाद ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू तो नहीं करते, पर स्वामीनाथन से ट्वीट के ऊपर उनसे एक प्रोत्साहन लेते हैं कि हमने काम कर रहे हैं, हाँ। प्रोत्साहन के लिए काम कर रहे हैं कि आप किसान के लिए काम कर रहे हैं?
दूसरी भिन्नता के अंदर ये आती है, किसानों को कर्जा माफ करने की बात की थी, इन्होंने कर्जा माफ नहीं करके किसानों कर्जे में डुबोने का काम किया हुआ है। किसानों कर्जे डुबोने का काम कैसे है कि जो किसान को जो ये बोलते हैं कि हम जो आपकी फसल बीमा करेंगे, वो किसान को बिना बताई की जाती है। हर फसल बीमा हो जाती है, किसान को बताया नहीं जाता कि अब फसल का बीमा भी हो चुका है। किसान टोटल अंधेरे में है और सरकार के पास अपनी बात रखना अगर किसान चाहता है तो इनको घरों में रोकने का काम ये सरकार कर रही है। ये पहली बार हुआ आजाद भारत के अंदर जब किसान की बात को उसकी बात को रोकने का काम सरकार ने किया है। क्या धरती पुत्र इतना काबिल भी नहीं कि सरकार समझे कि उससे बैठके करेंगे, आश्वासन देंगे, विश्वास मिलाएंगे? ज्योति जी प्लीज, कम से कम जो किया है वो समझाने की कोशिश करेंगे। प्लीज, यहाँ पे तीन क्वेश्चन रेज किए गए हैं, एक एफिडेविट के बारे में, एक 2019 और एक 2022 के बारे में। फर्स्ट लेट मी क्लियर दैट। पहली चीज, जो 2019 का जो है, जो इस वक्त का बजट है, उसमें हमने 50% ऑफ द जो लागत रेट है उसका देने का वादा किया, और रबी क्रॉप पे वो ऑलरेडी चल रहा है और उस पर ऑलरेडी चल हो जाएगा जी। और अरुण जेटली जी ने कहा अधिकांश फसलों पर, आप तो अधिकांश का भी प्रयोग नहीं कर रहे, आप कह रहे कि चल ही रहा है वो, अधिकांश लगाने के बावजूद अंतर हो जाता है। रबी में सभी फसलों पर मिल रहा है, 6 आती है और वो उन पे है। और जो दूसरा है 2022 का, 2022 तक का हमारा टारगेट है कि उनकी आमदनी जो है वो दुगनी हो जाए, और आमदनी दुगनी करने का भी एक पूरा का पूरा प्लान है। प्लीज लेट मी कंप्लीट इट नाउ, नाउ यू आर नॉट गिविंग मी एनी चांस। ठीक है, अब देखो, 2022 तक अगर हम उनकी लागत आमदनी को दुगना करना चाहें सिर्फ खेत के ऊपर, सिर्फ क्या उसी तरह से दुगनी की जाएगी? ऊपर नहीं की जा सकती, पहले पहले अधिकांश फसलों पर की जा चुकी है, नहीं 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 उसी तरह से की जाएगी। प्लीज लिसन इट, प्लीज लिसन इट। अगर आज की डेट में अगर हम उनकी आमदनी को 2022 तक अगर बढ़ाना चाहें तो हर साल के हिसाब से उनकी आमदनी 10.5% इंक्रीज होनी चाहिए, जो कि जमीन के ऊपर खेत सिर्फ खेती से पॉसिबल नहीं है। इसलिए यही चीज स्वामीनाथन जी ने भी कही थी और वही हमारे बजट में भी है कि हम उसको जो एग्रो प्रोडक्ट्स है एग्रो इंडस्ट्री की तरफ लेके जाएंगे और जो उसके वेस्ट है उनको भी यूज करेंगे। ये था कि धरती पुत्र इस काबिल नहीं कि आप लोग मुलाकात करेंगे, सीधे गिरफ्तारी होने वाले हैं। वो विश्वास मिला ये है इतना किया है कि किसानों को बताइए, समझाइए, बातचीत हमेशा सबसे अच्छा है, और समझाइए कम से कम, बात करने की कोशिश नहीं की। हां, ये बड़ी बात है अपने आप में। नहीं नहीं, जैसे ही वो बैठेंगे उस बातचीत के लिए तैयार होंगे तो जरूर उनके साथ बैठा जाएगा। बातचीत सबसे अच्छा तरीका होता है और उसी के साथ ही कोई समस्या हल होती है। हरियाणा प्रदेश में आते हैं तो आप यशपाल मलिक से बात करते हैं और स्वामी गर्जी बैठेंगे कहां पर? फरीदाबाद में बैठे हैं, सरकार बुलाए ना बातचीत के लिए, सरकार कहे बातचीत के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं, आइए। हमेशा खुले जाए। आज के लैंड ऑर्डर के लिए दो चीजों की जबरदस्त कमी रही है सरकार की। एक, जो कुछ भी इन्होंने किसानों का थोड़ा बहुत अच्छा किया है, इनके पास इतना बड़ा तंत्र है, प्लीज मैम, इतना बड़ा आपके पास तंत्र है पब्लिक रिलेशन ऑफिस का, उसको आपने क्यों नहीं यूज किया कि किसानों हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं? जिसको अभी आपने सुना वो कोई गायक या फिर तुकबंदी करने वाला कलाकार नहीं है, वो अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से आपको अनाज देने वाला किसान है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ जाती है कि सत्तासीन जो पार्टी होती है वो बिल्कुल संवेदनहीन हो जाती है? चुनाव से पहले जो बातें की जाती हैं उनको आंकड़ों और शब्दों का खेल बताकर किसानों को समझाने की कोशिशें की जाती हैं कि देखिए आपके लिए इतना किया गया है, आप आंदोलन करेंगे तो गिरफ्तारियां हो जाएंगी। हालांकि मंत्री जी कुछ बोलते हैं और पुलिस कुछ और करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों से डर कैसा? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ढींगरा साहब, इस का जवाब दीजिए कि किसानों से सरकार डरती क्यों है और बातचीत के लिए बुलाना जरूरी क्यों नहीं समझा जाता बीजेपी की ओर से? नहीं देखिए, बात यह है, ये किसानों से डर नहीं रही है, किसानों को बुद्धू बनाने का काम कर रही है, उनके साथ जुमला कर रही है। एक्चुअल में इन्होंने कभी किसानों को बुलाया ही नहीं। अभी जो चर्चा में बात आ रही थी पहले ब्रेक से पहले, उसमें यह बात आ रही थी, लेकिन इन्होंने एक बार भी किसानों को अपने चर्चा के लिए बुलाया ही नहीं। ये स्वामी राम जो पंचकूला वाला जो है राम रहीम, उसके साथ बात करने में जरूर चर्चा करते हैं, वो भी छुप कर। लेकिन जहां तक इन्होंने जातिवादी सभी हरियाणा को तोड़ने का काम आज तक किया है। लेकिन एक चीज बताएं, अभी बीमा की भी बात हो रही थी, इन लोगों ने जबरदस्ती जो किसानों का बीमा किया उसके ऊपर इन्होंने मुआवजे की जो अपना वो थे बैंक जो थे अपना जो बीमा एजेंसियां थी, उन्होंने गीली फसल का जुमला देकर बीमा कंपनियों ने किसानों को लूट लिया और बीमा ले लिया उनसे जबरदस्ती। आप ये देखिए कि उनको ना तो उन फसल का मुआवजा मिला और उनको लूट लग से लिया बीमा कंपनियों ने। उनकी गाड़ी कमाई जो है किसानों की, जो उनका खून पसीना बहता है जिसमें वो किसान अपनी खेती कर रहा है, उसको लूट लिया और सीधा डायरेक्ट किसान से नहीं पूछा, बैंक से सीधा पैसा निकला और बीमा कंपनी को चला गया। आप इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है
कि बीजेपी की सरकार इस तरह से लूटने लगी हुई है किसानों को, काम कुछ नहीं कर रही किसानों के लिए। आप जो प्रैक्टिकल हालात है किसान के, वो बहुत ही बुरे हालात में है इस समय किसान, क्योंकि अगर आपने माहौल बनाया होता तो हमारे टाइम पे जीरी जैसे 4500 तक चली गई थी, आज की डेट में ना जीरी का भाव है ना फसल का भाव है, माहौल ही खत्म हो गया, जीएसटी लगा के किसानों को मार दिया, किसान ट्रैक्टर लेना खाद लेना उसके ऊपर भी टैक्स थोप दिया, किस तरह से मारा इन्होंने। सरकार के पास बहुत सारे वो दावे हैं जो कि सरकार ने किए आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी परेशानी क्यों? देखिए धरातल पे सरकार ने किसान को राहत देने का काम नहीं किया है, ये पूरा भारत जानता है कि किसान को सिर्फ लूटने का काम किया। तमिलनाडु के किसान अपने बच्चों के नरकंकाल लेकर पिछले 2 साल लगातार दिल्ली जंतर मंतर धरना देते रहे, सरकार के द्वारा उनकी एक बार सुनवाई नहीं हुई, केंद्र के कृषि मंत्रियों से मिलने नहीं गए, इसका मतलब कि सरकार उनकी बात सुनना नहीं चाहती। हरियाणा प्रदेश का किसान भी रो रहा है, मध्य प्रदेश का किसान भी रो रहा है, हरियाणा के अंदर ये भावांतर योजना जो इन्होंने लागू की है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाने का काम किया, जब इनका मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 8 रुपए किलो पिछले साल प्याज खरीदता है और 2017-18 के अंदर इनकी सरकार अब प्याज के लिए बात कर रही है कि हम उस प्याज को 5 रुपए किलो खरीदेंगे, तो ये सरकारी लूट रही तो क्या है? आप इनके आंकड़ों को देखिए, इतने तरीके से पेश करते हैं कि आदमी इनके आंकड़ों प्रभावित हो जाता है, पर धरातल पे वो लूटने का काम है। जब आप धरातल पे जाएंगे देखेंगे प्याज को इन्होंने लूटने की तैयारी कर ली है। और मैं आज मीडिया के आपके माध्यम से खबर अभी तक के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि किसान को इस देश के अंदर लाचार और बेबस करके इन्होंने छोड़ दिया है। नीलम जी, जी बात हुई थी मैडम कि अच्छे दिन आएंगे किसानों के, कब आएंगे? जी किसानों के ही अच्छे दिन, ये पूरा का पूरा वर्ष जो है किसानों का ही वर्ष है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो बजट है वो पूरा का पूरा कृषि आधारित है। आप एक चीज देखें, पिछले काफी समय से करीबन 1990 के बाद तो एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा जो एक हाशिए की तरफ चलता चला गया था, इसकी वजह से एक लंबे समय से किसानों की जो स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो अच्छे दिनों की तस्वीरें हैं। जी आप जो मैं बात कर रही हूँ, जी जो एक लंबे समय से जो किसानों की हालत जो बदतर होती चली जाती है, आज की स्टेज में वो बहुत ही बुरी हालत में पहुंचे हुए हैं। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये पुरानी नीतियों का असर है कि आज उनकी हालत इस तरह से है। तो किसान जो है उसकी हालात को बेहतर बनाने का पूरा तरीका। जी नीलम को सुना था आपने जो कहा गया बीजेपी प्रवक्ता की ओर से कि बहुत कुछ किया गया, आप ये कह रहे हैं कि जो लंबे समय का ये काम जो कि फिलहाल नजर आ रहा है किसानों की हालत एक दिन में ऐसे नहीं हो सकती। जी जी आप एक से पहले कहा कि हमने बहुत बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है विरोधाभास एक जगह पर नहीं, आपको 50 जगह पे मिलेगा। हम बात करते हैं एनपीए की, नेशनल जो बैंक्स का एनपीए, पूरे इंडिया के अंदर जो है किसानों का एनपीए 100% में से केवल और केवल 6% है, बाकी 94% कॉर्पोरेट प्रोफाइल है। कॉर्पोरेट प्रोफाइल 94% की फोटो कहीं कौन से बैंक में आपने देखी है? लेकिन जो 6% किसान है उन बिचारों की वहां पर बड़े बड़े बैंक के अंदर पोस्टर लगे होते हैं कि आपकी नीलाम कर दी जाएगी। और चीज जो कॉर्पोरेट प्रोफाइल 11,000 करोड़ रुपए लेकर के भागा है, वो व्यक्ति नीरव मोदी एक बैंक को लेटर लिखता है कि आपने मेरा नाम सार्वजनिक कर दिया, अब आप रिकवरी को भूल जाइए। क्या आप किसी किसान की ये बात को करेंगे कि आपने मुझे पूरे गांव के अंदर पूरे एरिया के अंदर बदनाम कर दिया, आप अब इस रिकवरी को भूल जाइए। इससे ज्यादा दर्दनाक चीज नहीं हो सकती कि एक जगह तो आप किसान की गरीबी का मजाक उड़ाते हो, फिर आप उसको मजबूर करते हो कि आपकी जमीन को बेचा जाएगा, जबकि इनको पता है कि कानून प्रावधान है कि जो है रोजी रोटी के लिए प्रयोग कर ली की गई चीज को आप बेच नहीं सकते हो, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर बेचते हैं। विरोधाभास एक जगह पर थोड़ी ना ज्योति को, कम से कम 1,000 जगह पे। मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि जो ये फार्मर जो इनकी एग्रीकल्चर बीमा योजना है वो केवल मात्र जो है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए, इसका कारण था कि उसका लगभग आपको मैं बताऊं कि 3 गुना हुआ है व्यापार पिछले साल में, और मैं आपको एग्जैक्ट फिगर भी बता सकता हूं कि 3 times प्राइवेट कंपनियों का व्यापार। यदि ये बात करते, यदि ये इतना ही ईमानदार थे, इन्होंने सरकारी किसी भी बीमा कंपनी को इस बीमा योजना के अंदर कार्य करने का मौका नहीं दिया, केवल निजी कंपनियों को क्यों दिया गया? इनको ये बताना पड़ेगा कि केवल 30% पे आउट क्यों हुए, 70% पे आउट क्यों नहीं हुए, ऐसी हजारों चीजें जहां पे इनके पास विरोधाभास। विधानसभा में विपक्ष घेर चुका है इस मसले को लेकर, आप लोगों को फिलहाल जवाब कोई? जी जी मैं उसी बात को
आपको कंटिन्यू करती हूँ, जो किसानों की हालत है आज एकदम से नहीं आई है, हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। और यही जो जैसे जो फसल बीमा है ये काफी समय से चल भी रहा था, उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया गया, और ये स्वामीनाथन जी ने भी ये अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि किसानों का जो फसल बीमा है वो बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है। अपनी कोर्ट पे ये लिखा हुआ, उसमें झूठ मत बोलिएगा आप, ये बताइए स्टेट एंड सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है। उसने कहा कि केवल स्टेट अपने एक्सपेंस पे किसानों की फसल बीमा, इसमें इसमें सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन की रिकमेंडेशन है, उसे आप झूठा बरगलाई है मत बाबा। फसल बीमा से पैसा काट फसल आपको बीमा बेच रहे फसल बीमा योजना है उसमें स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट का सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन है, आप प्लीज उस डिटेल को देख लें। कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए उनके खातों में से पैसा क्यों काटा गया, ये फार्मर का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। स्वामीनाथन जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप किसान से मत लीजिए उसका, नहीं ये उन्होंने फ्री इंश्योरेंस का नहीं लिखा हुआ, प्लीज आप उसको दोबारा से पढ़ें। स्टेट एक्सपेंस के ऊपर आप पढ़ो उसको अच्छे से कि स्टेट एक्सपेंस के ऊपर मैं पढ़कर के स्टेट एक्सपेंस के ऊपर उसमें स्टेट एंड सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन है, तो स्टेट और सेंटर बराबर है मैडम, सरकार ने राज्य सरकार है लेकिन किसान नहीं, सरकार ने राज्य सरकार, राज्य ने अच्छे से बात, केंद्र सरकार हो ताकि उनकी अगर फसल खराब हो तो उसका इंश्योरेंस मिले, पहली बात। दूसरा की जो वकील है झूठ बोल जाते, कई बार देखा नहीं, प्लीज प्लीज डोंट मेक एनी पर्सनल कमेंट जी। और सेकंड जो है, जो अभी जो ऑपरेशन ग्रीन है वो 500 करोड़ रुपए की लागत से किसानों के लिए कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा यहां पर करना चाहूंगी। रणवीर शर्मा जी, जब किसी तरह की कोई हिंसा ना तो फैलाई गई और सीधे तौर पर कहा गया कि शांतिपूर्वक हम दिल्ली जाएंगे, फिर पुलिस को परेशान के लिए क्या परेशानी कैसे जी? मैम दो चीजें रही हैं, एक तो सरकार का एक विजन होता है जो कि भी मैंने अपने प्रशासन को कैसे चलाना है, दोनों इन पहलुओं पे सिस्टम नहीं बना पाए हैं। अगर इनका विजन है कि ये सही होता कि हमने फार्मर का भला करना है, हमने ये फार्मर के लिए MSP दी है, हमने फार्मर के लिए ये कर्जे माफ किए हैं, हमने फार्मर के लिए ये बीमा योजना दी है, हमने फार्मर की भूमि की ये जांच योजना, ये उसको प्रचारित समाज के, प्लीज 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 मैम प्लीज, वी आर रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, वी डोंट इंटरफेयर इन यू प्लीज प्लीज, वी आर नॉट इंटरफेयर, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज प्लीज प्लीज प्लीज, डोंट वरी वी आर ऑल्सो ऑन द वे प्लीज, लेट अस अलाउ, वी आर अभी काम बोलने के लिए आए हैं यहां पे, प्लीज 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 टेक योर सेल्फ। द सेकेंड पॉइंट इज कि अगर ये विजन अपना किसानों को जो भी देना चाहते थे उसे बहुत समाज में अच्छी तरीके से समझाते और उन किसानों को सामने बुलाते। तीसरी जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, सही रहता तो ये परेशानी की जरूरत ही नहीं थी, किसानों को बुलाते बात करते और ये समस्या हल निकालते, जो समस्या उनको सामने रखते जैसे ऑपरेशन ग्रीन ही है जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन जो किसान है उनके खेतों का रजिस्ट्रेशन की वो कौन कौन सी फसल लगा रहे हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसके बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं और फार्मर्स ने अपना वो रजिस्ट्रेशन करवाना भी शुरू कर दिया है। तो जी नहीं, आप किसानों का भला नहीं चाहते, आप लोगों ने सब कुछ किया होगा मैडम, सब कुछ किया होगा, जो भी पैनल पर कहा थोड़ी देर के लिए हम मानेंगे, लेकिन किसानों को नहीं पता, आप क्यों नहीं देंगे? किसान नेता कहते हैं, अरे भाई अभी उसकी अभी अभी उसकी कहती है कि किसानों तक चीजें नहीं पहुंचे तो उसके बाद उनको फायदा नहीं होगा, चीजें अगर नहीं पहुंचती क्या फायदा? नहीं नहीं किसान मानने को तैयार नहीं मैडम, ज्योति मैम एक और बता रहा हूं, किसान मानने को तैयार, सरकार जो कर रही है अगर मानने को तैयार है, सहमति है, तो जरूरत क्यों पड़ती है फिर? सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियां किसान विरोधी है, किसान माने ना ही किसान को विश्वास में लिया गया है, ना ही सरकार ने मध्यस्थता का कोई काम किया है, अभी तक सरकार ने किसी भी हमारे नेता से बात करने की नहीं सोची है और किसानों को जबरन जेलों में रखा गया है, इस वक्त भी हमारे साथी जेलों में थानों में बंद कर रखे हैं, अघोषित इमरजेंसी है, गैर कानूनी तरीके से है। मैं चाहूंगा जो फरीदाबाद में हमारे किसानों को रुका गया है, कम से कम उनको मैजिस्ट्रेट ट्रायल का हो या फिर उनको रिलीज किया जाए, उन्हें दिल्ली आने दिया जाए, भले आज हमारा दिन था दिल्ली में आके बात करने का, पर सरकार ने हमें रोका है, हम पुनः दिल्ली जाने की तैयारी करेंगे और आपके सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे, आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते, हम पूरे देश के अंदर किसानों को लामबंद करेंगे, हम किसानों को बताना चाहेंगे ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, हमें डटकर मुकाबला करना, जब तक हमारे अधिकार
पूर्ण तौर से हमें नहीं मिल जाते, हम लगातार अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। ये सरकार किसानों के लिए स्थिति खराब है, सुनिए। लैंड ऑर्डर को ठीक रखना है तो तीन बातें में इमीडिएटली करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये किसानों को टेबल पे बुलाएं, किसानों को टेबल पे बुलाएं। देखिए स्थिति बहुत खराब है, उसका समाधान तब मिल सकता है जब सरकार कम से कम माने कि स्थिति खराब है, हम कुछ ना कुछ समाधान देंगे। यहाँ सरकार, यहाँ बीजेपी मानने को ही तैयार नहीं कि किसी तरह की परेशानी है। दो बात पूरी कीजिएगा अभी ढिंगरा साहब। देखिए ये सरकार मानना ही नहीं चाहती, किसानों की बात सुनना भी नहीं चाहती। पूरे देश के अंदर, ये हरियाणा के अंदर नहीं है, ये पूरे देश के अंदर किसान विरोधी सरकार है और पूरे देश के अंदर सभी सारा किसान लामबंद है। अरे सुन लीजिए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, पूरे देश के अंदर किसान सारा लामबंद है और वो दिल्ली की तरफ कुछ कर रहा है, लेकिन ये लोग उनके रास्ते बंद करके बैठे हैं, उन लोगों को अपने अपने एरिया में गिरफ्तार कर रहे हैं। ये भी रणनीति हरियाणा की नहीं है, ये ऊपर से आ रही है, ये मोदी जी की रणनीति है कि कोई कोई आदमी को दिल्ली में ना घुसने दो और बाकी एरिया को सबको बंद कर दो। ये अघोषित इमरजेंसी के बिल्कुल हालात बना दिए इन्होंने। ये केवल हरियाणा के अंदर नहीं है, ये सारी स्टेटों के अंदर है। आप चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे आप नहीं, एमपी के किसान हरियाणा में एंटर कर जाते हैं, छत्तीसगढ़ के किसान हरियाणा में एंटर कर चुके हैं, आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली नहीं जाने देंगे। ये बहुत यही कह रहा हूँ, दिल्ली नहीं जाने देंगे, ये कमाल है। किसान नेता ने बिल्कुल ठीक किया है, ये उनके लिए अघोषित। शर्मा जी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी छोटा जवाब। अब इसको हल करने के लिए इनके पास मिनिमम ये तीन तरीके फौरी अपनाएं। किसानों को टेबल पे बुलाएं, किसानों की जो समस्याएं हैं और इन्होंने जो अच्छा किया है उसको टेबल पे बताएं, जिससे कि वो किसान नेता जाके उनको बता सके कि भी हमारे लिए ये अच्छा हो रहा है और जो उनके लिए गलत हो रहा है वो सरकार के सामने रखें। तीसरा, सरकार को सबसे पहले जितनी इलीगल डिटेंशन, गैर कानूनी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्हें फौरी बहाल कर दें और अगले लाइन ऑर्डर को देखते हुए किसानों को फौरी एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल पे बुलाएं और बुला के उनको इस बात के लिए ले कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं और जो नहीं हुए उनको आगे हम करके दिखा देंगे। रविंद्र साहब, अभी आपने सुना सुभाष बराला को, सुना आपने रिपोर्ट, जब हमने दिखाई, राजनीति है इस मामले में, राजनीति है इस मामले में, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो दोहरा रवैया है। एक जगह पे तो आप बात करते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, दूसरी तरफ सभी किसानों को ये भूलते हुए कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस पूरे भारत में हर जगह से आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, सबको आपने राजनीति एक ही चश्मे से तोलते हैं। ये वो नीरो है जो रोम जल रहा है और इससे बांसुरी बजा रहा है। सभी किसान नहीं है तो सरकार कह देना कि जो आंदोलन करने जा रहे हैं, सीएम कह दें किसान ही नहीं है, सभी को किसान ही नहीं है कह दे, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, अपनी आवाज उठाने का सभी को हक है और बातचीत से उसकी सारी हर एक समस्या सबकी सुलझी जाए। जिन्होंने इनको इनकी सरकार बनाई, हालत लाइन ऑर्डर खराब ना हो, इन्हें फौरी रिलीज कर देना चाहिए किसानों को और टेबल पे लाके उनकी समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए और ये प्रिवेंटिव एक्शन को फौरी हटा देना चाहिए इस वक्त, नहीं तो और आगे ज्यादा कानून व्यवस्था ना खराब हो। इसलिए हम सीएम साहब से, सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए, उनसे कहें कि फौरी ये काम ले। आज आप लोगों को नहीं जाने दिया गया। ये बीजेपी सरकार है, ये मानने वाले नहीं है, भुगतेंगे, मानेंगे नहीं तो लोग सड़क पे आएंगे। अभी सीएम साहब ने भी कहा, स्वामीन्द्र जी आज नहीं जाने दिया गया, अब आगे क्या? एक सप्ताह से पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश, खासकर हरियाणा प्रदेश के अंदर चारों तरफ से घेराबंदी करी गई दिल्ली की, किसानों को उनके डिस्ट्रिक्ट होम में ही रोक लिया गया है जी। और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर प्रदेश के अंदर खुशहाली चाहते हैं तो किसान को खुशहाल लागू करना ही पड़ेगा। खुशहाली के दो आयाम हैं कि अगर पहले तो आप कर्जा मुक्ति करें और दूसरा पूरा दाम देने का वादा करें, और जब तक आप किसान को कर्जा मुक्त नहीं करेंगे और किसान को लाभ से नहीं जोड़ेंगे, देश और प्रदेश के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। मैं सरकार से विनती कर रहा हूं कि किसान से मध्यस्थता करे, बात करे, इस प्रकार से हमें ना रोके। जी किसान जब बातचीत के लिए आ गए हैं तो बातचीत अवश्य होगी। 27,000 एकड़ जमीन ले ली, 27,000 एकड़ जमीन ले ली, अधिग्रहण कर ली है और आज तक कोई उनको मुआवजा नहीं है और ना मुआवजे के साथ उनकी रिहैबिलिटेशन है, वो धक्के खा रहे हैं और ना उनको लाभ का मूल्य है, ना उनके कर्जे माफ है। अधिग्रहण में तो हालांकि नहीं है, वो एक अलग बात है। ढिंगरा साहब आप ये बताइए, आप ये देखिए उनका कितना बुरा हाल है, जो सुनिश्चित जमीने उनकी ले ली, पैसे उनके ले लिए, फसल उनकी ले ली, वो कहां जाएंगे? सड़क में जाएंगे क्या करेंगे? ज्यादा सरकार में रखे। देखिए सरकार के पास जितना सुनिश्चित सिस्टम होता है, अगर आप किसान को खुशहाल करना चाहते हैं तो आप उनके लिए माहौल पैदा करें, आप उनको जीएसटी के साथ मत थोपे, आप खाद के ऊपर डंडों के साथ उनको पुलिस थाने में ना मिले, उनको जब आप उसको करेंगे फिर उसके बाद आप उनकी जो फसल है अगर उसको आप खरीदेंगे तो होगा, जो उनको कर्जा मुक्ति करेंगे तो होगा।
हमारे टाइम पे जो कर्जा मुक्ति था 1600 करोड़ रुपया सीधा मुक्त किया गया था, आज के टाइम पे ये सरकार जो है झूठे जुमले वायदे करके किसानों को लूटने का काम कर रही है, और ये जो है लूट जो है किसान कब तक सहेंगे? किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है इन्होंने, अब किसान कितनी देर तक चुप रहेगा? और पूरे देश के किसान विरोधी सरकार नहीं है, दमन नहीं है कि आंदोलन भी नहीं करने देंगे आप लोगों को, जहाँ पूरा अधिकार है, जहाँ मंत्री जी खुद बोलते हैं वहाँ पर? मंत्री जी नहीं, ज्योति, सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान जजमेंट के अंदर बाकायदा कह रखा है कि किसी को भी प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। ये दिल्ली पुलिस के किया गया गैर कानूनी कार्य के विरोध में किया था, जो गैर कानूनी कार्य उस समय में रामलीला मैदान में हुआ था वही गैर कानूनी कार्य आज हरियाणा के जिले के अंदर हुआ है। इससे बड़ा दमन कभी नहीं हो सकता कि रोड के ऊपर चलते हुए। आज एक और बेहुदा बयान है मुख्यमंत्री जी का, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली में जा रहे थे इसलिए हमने उनको रोका, यदि वो अपने साधनों से जाते नहीं रोकते। क्यों ट्रैक्टर ट्राली किसान के पास उसके अलावा होता क्या है? जो उसके पास में है उससे वो जाएगा। बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जा रहे थे उनको भी रोका गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि वो बस वगैरह में जाते तो चले जाते, ट्रैक्टर ट्रॉली में थे इसलिए रोका हमने। क्यों अभी किसान को आप रोड के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली में जाने से भी रोकेंगे? वो दमन नहीं है तो और क्या दमन होता है? नीलम चौधरी जवाब दीजिए। जी देखिए, शांतिपूर्वक आंदोलन हमेशा सभी को करना चाहिए और उनको अलाउड भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये और जो नहीं ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है। पंचकुला में क्यों नहीं आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या था? वहां पे प्रिवेंटिव एक्शन क्या कहा गया था आपका? क्या कानून व्यवस्था बनाए रखना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? जवाबदेही उस वक्त भी सरकार की थी, जवाबदेही उस वक्त भी सरकार की होती अगर स्थिति बिगड़ती, लेकिन आप लोग इंतजार ही नहीं करते हैं कि आंदोलन तो करने दीजिए, शांतिपूर्वक अगर कर रहे हैं कम से कम शांतिपूर्वक अंतर बताइए। मैडम अंतर बताइए, उस स्थिति में अंतर बताइए, वो ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, वो ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, अब अंतर बताइए आप। 40 आदमियों को नुकसान हुआ, रामपाल के केस में 7 आदमियों को नुकसान हुआ, आरक्षण के मामले पर नहीं। नीलम जी अंतर बताएंगे, दोनों स्थितियों में अंतर बताएंगे। बोलिए मैडम। जी एक नीलम जी बताइए। देखिए, जब से किसान जैसे आंदोलन पे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बार बार इस तरह की धमकियां देते हैं कि हम वहां जाम कर देंगे, वहां जाम कर देंगे, वो है आप लोग जानते हैं। जाम लगाने की बात नहीं की, किसान की बात हमेशा सुनी जाती है, किसान हमारी प्रायोरिटी है। नहीं, पंचकुला में भी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे कि डेरा प्रमुख के खिलाफ अगर आता है फैसला, जो आता फैसला आने से पहले किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज नहीं था प्रमुख के खिलाफ, अगर फैसला आया तो पॉसिबल है। नो, बिल्कुल एक गलत सिचुएशन है। उन एलिमेंट से सरकार नहीं डरी, पंजाब ने की प्रिवेंशन। ज्योति ज्योति, दोनों सिचुएशंस बिल्कुल अलग हैं। आप बताइए ना कैसे अलग हैं। हाँ, जो आप राम रहीम वाला केस कर रहे हैं, वो 2 बजे तक किसी को ये नहीं पता था कि वो किस तरफ जाएगा। और उस तरफ दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। स्वामींद्र जी अपना प्रदर्शन के लिए पहले से ही आपको कैसे पता था? बिल्कुल स्वामींद्र जी, आखिरी जवाब दीजिए, क्या उम्मीदें हैं सरकार से फिलहाल आप लोगों को? देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम उम्मीद लगाते हैं कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार किसानों के दर्द को समझेगी, समझती भी है। पर जिस प्रकार से इनका नजरिया हमारे साथ है कि किसान अपने निजी साधनों के साथ भी नहीं चल सकता, जबकि टूल टैक्स हमें भुगतना पड़ता है, ट्रैक्टर ट्रॉली में सरकार टूल टैक्स तो लेना चाहती है, पर किसान अगर अपने आंदोलन के लिए अपने साधनों के ऊपर जाता है तो किसान को रोकने का काम सरकार करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राष्ट्रवादी बात करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी किसान है जिसका बेटा इसीलिए हमारा बजट पूरा का पूरा कृषि पर आधारित है। अगला कदम क्या है आप लोगों का, थोड़ा जल्दी बता दें। कल हम लोगों ने 25 तारीख को हम लोगों ने पेवा क्षेत्र के अंदर हमने अपनी मीटिंग रखी है जिसमें किसान महापंचायत बुलाई है, और उसके बाद जो फैसला होगा सब किसानों को मानने होगा। ठीक है, शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो कमाल तो है ही अपने आप में कि सियासत जो है, सियासतदान जो है, चुनाव से पहले अलग तरह की भाषा बोलते हैं, उसके बाद आंदोलन उन मांगों को लेकर नहीं करने देते जो चुनाव से पहले खुद वादा किया गया था। तो इसको लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैन मिलता नहीं है अब दिन रैन में, तुम कहाँ खो गए लेन में देन में, तुम कहाँ खो गए लेन में देन में। हम किसानों की उगड़ी
पड़ी पटरियां, आग लग जाए तेरी बुलाए पहले।